कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे, उनके घर में दो क्लाइंट आया है, दोनों के हाथ में फाइल था और नका बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे, प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे, और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सटेंड का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुन पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया, उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है, और गली में जो CCTV कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं, उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। आज सुबह मैंने जाके मौके का मुआयना किया, उनके घर भी गए, सीनियर प्लान का विजिट किए, SP SSP SDPO सारे SHO का मीटिंग लिए और एक SIT बना दिए जिसको हेड कर रहा है SP हजरतबल, उसमें SDPO जडीबल रहेगा, हमारे एक PC कार्गो का एक DSP साहब रहेंगे, SHO भी रहेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। SIT को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसके उसको सॉल्व करें, कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में इंटरनाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। नहीं, बावर का भी छोटे पर्सन नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया, अपने पुलिस वाले से बात किया, 2018 में इसे गाड़ी पर एक बार फायरिंग हुआ था, इनको थेट था, इसीलिए इनके जो रिलेटिव एक हमारे SDPO DSP साहब है, उन्होंने नहीं पर्सनली इसको रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग हवल में जहाँ रहते हैं वहाँ मत रहिए, किसी सेफ जोन में रहिए। और आज जाके मैंने SHO लाल बाजार से, जडीवल से, SDPO से बात किया, उनका एक कहना है कि पिछले लास्ट वीक से उसको रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इधर मत रहिए, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। आज मैं खुद जाके गया हूँ, वहाँ गाड़ी भी नहीं आती, पैदल जाना पड़ता है, बहुत नेरो गली है वहाँ पर। और उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। दूसरी बात है कि उन्होंने आज देखा, मैंने आप लोग भी शेयर किए थे कि कुछ ट्वीट किए थे कि अंदेशा जाहिर किए कि हमको खतरा है, और अनफॉर्चुनेटली उनसे एक उनसे भी गलती हो गया कि उन्होंने कश्मीर पुलिस को उसमें टैग नहीं किया, उसमें जम्मू पुलिस है लिखा है, ZPH को जम्मू है। और ऐसे किसी भी प्रोटेक्टिव पर्सन हो या नहीं भी हो, किसी को कोई थ्रेट मिले तो नियरेस्ट SHO से, SDPO से, डिस्ट्रिक्ट SP से, रेंज DIG, IG, DG किसी से बात करना चाहिए। हम लोगों से कोई कभी शेयर नहीं किया, अगर शेयर करते, फोन भी करते तो जरूर उसको वहां से लाके हम लोग किसी सेफ एरिया में रखते हैं।